चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर इज बेंड इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है, द सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायमीटर ए बी एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। सबसे पहले देखो ये जो वैल्यू दी हुई है वो रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, यूनिट देखो इसकी, ओम पर मीटर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है कितना 0.5 ओम मीटर पावर माइनस वन। एक मीटर में कितना रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो अब एक सर्कल बनाया गया जिसका रेडियस है 1 मीटर, तो इधर का पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होगा पाई इंटू आर, इधर का सर्कमफ्रेंस कितना होगा इधर वाले का पाई इंटू आर, इधर का और इधर का दोनों का, ठीक है, और इसका डायमीटर इसका लेंथ कितना होगा आर प्लस आर, 2 आर होगा ए बी की लेंथ। तो तीन रेजिस्टेंस देखो यहां पर सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस डायमीटर, ये ए बी भी वही सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस वायर है, तो तीन वायर पैरेलल में हो गए, लेकिन इन तीनों की वैल्यू भी तो निकालनी होगी, आर वन इसकी आर टू और इसकी आर थ्री, तो आर वन आर टू की वैल्यू निकालना होगा। तो आर वन इज इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट कर देते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को, तो लैम्डा इंटू पाई आर होना चाहिए, आर टू की वैल्यू भी लैम्डा इंटू पाई आर होना चाहिए, करेक्ट है, लेकिन आर थ्री की वैल्यू लैम्डा इंटू टू आर होना चाहिए ना, सही है, और आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू 1 मीटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब ये वैल्यू रखते हैं हम, लैम्डा की वैल्यू 0.5 इंटू पाई आर, पाई इंटू आर की वैल्यू 1 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा 0.5 पाई, दूसरा इसकी वैल्यू लैम्डा मतलब 0.5 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू फिर से 1 मीटर, तो 0.5 पाई हो गया। अब यहां पर 0.5 इंटू 2 आर, 2 आर की वैल्यू 1 मीटर, 2 इंटू 1 करेक्ट 2 हो गया, 1 आ जाएगा, 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये इतना ओम, ये इतना ओम, आर वन आर टू आर थ्री आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, 1/R1, R1 की वैल्यू 0.5 पाई हो गया, प्लस 1/0.5 पाई प्लस 1/1, ठीक है, 1/RE की वैल्यू ये हो गई। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/RE को क्या हम लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2, 2 ऊपर जाएगा, 2/π लिख सकते हैं, प्लस 2/π प्लस 1/1 ऐसे लिख दो, 1/RE, पाई एलसीएम ले लो तो 2 + 2 + π 4π, 1/RE की वैल्यू इधर लिख देते हैं, 1/RE इज इक्वल टू 4 + π / π या RE इज इक्वल टू π / 4 + π पाई अपॉन 4 + π, ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना, देखो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।